साइड इफेक्ट्स आने लगे उनके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो दर्द आता है ना उसके बाद अगर आप क्रॉस करके वर्कआउट कर रहे हैं उस बैरियर को लांग रहे हैं आप जब आप एक एथलीट और जब आप एक चैंपियन है, वरना अगर रह गए ना उससे पहले तो जिम में 100 बार का रहे हैं मेरे भाई, अरबन सिर्फ 2 की है, तो वो 2 डिपेंड करता है आपके उस रेपिटेशन पे जो दर्द के बाद आप करते हैं। स्टेरॉइड जानलेवा साबित हो सकते हैं, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, चेंजेस ऑफ बिहेवियर ये बहुत ज्यादा आपके साथ आने लगता है, जरा सा किसी ने कुछ बोला और टक से छुके मौत को वाला सीन हो जाता है। बाइसेप्स का एक्सप्लोसिव वर्कआउट फॉर लीन गेन एंड रिप्ड लुक। ट्रांसफॉर्मेशन से ये जाहिर करना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हवा बना हुआ है कि स्टेरॉइड बहुत बड़ी चीज है, सिंपल सप्लीमेंट से घर की डाइट से भी अचीव कर सकते हैं आपके गोल। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, Day 42 स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बर्थडे सीरीज। और आज 42वां दिन है और 42वें दिन में करना एक्सप्लोसिव बाइसेप्स का वर्कआउट। अगर आपको गेन करना है अपना बाइसेप विद लीन लुक और शेप देना है बहुत प्यारा, ये पीक पे वर्कआउट करेंगे आज सारा का सारा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट बी विद मी एंड द पार्ट ऑफ माय जर्नी, आप मेरे साथ जुड़िए, पार्ट बनिए मेरी जर्नी का। अगर आपको अच्छी लगती है जर्नी तो इस पर सराहना भी दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का एंड आपके प्यार का। तो वर्कआउट के अंदर मिलेंगे आज बहुत एक्सप्लोसिव वर्कआउट, 4 से 5 वर्कआउट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि थाड़ देंगे बाइसेप्स को। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक वही चैनल है जो स्टेरॉइड के लिए ओपन डिस्कस करता है, जब क्लैनबेट्रोल, स्टैनाजॉल और अभी लिटिल मैंने अनावर भी साथ में लगा दिए, अगर इनको ऐड करके हम चलते हैं तो जो अब 42वें दिन में जो साइड इफेक्ट्स आने लगे उनके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, एक्चुअली जो आपके साथ रहते हैं लोग वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आप में क्या चेंजेस आ रहा है। अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, चेंजेस ऑफ बिहेवियर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ आने लगता है, जरा सा किसी ने कुछ बोला और टक से छुके मौत को वाला सीन हो जाता है, तो इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है, उसे कंट्रोल रखें, गलतियाँ हो जाती हैं। तो भैया अपने आप को सेफ रखें, सेफ जोन में रहें, क्योंकि स्टेरॉइड जानलेवा साबित हो सकते हैं, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। मिलते हैं बाइसेप्स के वर्कआउट पे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई ना हमारी टक्कर में। सो दिस इज सेकंड सेट, 1 होल्ड स्लोली डाउन, 10 से 12 रेपिटेशन मेंटेन करने और इसके बाद 7-7-7 से हम एंड करेंगे इस वर्कआउट को। हर रैप इस तरीके से फील करना है कि आपकी बॉडी बनाने के लिए वही रैप मायने रख रहा है। सो अब है 7-7-7 आर्नोल्ड स्टाइल बाइसेप्स की मतलब फाड़ने के लिए बहुत बेहतरीन वर्कआउट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब 7 पूरे, 1, 2, 3 क्यों पड़े हो चक्कर में, होए राम कोई ना हमारी टक्कर में, जय श्री राम। पंप बताएं आप कि पंप कैसा आ रहा है, और अभी है ना ये तो बस शुरुआत है, अभी तो जो सीरीज है ना मेरी उसका मिडल में पहुंचे हैं, एंड तक है ना, पाड़ बगाओगे इसकी बैंड गए। और मैं वर्कआउट की डिस्कस कर रहा था आपके साथ, ये मेरा सेकंड वर्कआउट है, इसका पहला सेट ले रहा हूं मैं, तो साथ में ना ये मैटर नहीं करता कि कौन है आपके, अब जैसे निखिल है बिगिनर है, मुकुल है बिगिनर है, लेकिन इनका और मेरा लेवल अलग है। बट जब मैं वर्कआउट करता हूँ चाहे रेपिटेशन मेरे 12 है 10 है, लेकिन इन्हें लगता है कि पुश कराने से बेटर रहेगा, तो वो मोटिवेशन जो टॉक है ना वो एक पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है वैसे। चलो भाई चलो, 5, 6, 7, 8, 9 एक और आएगा 10 तेरी बैंड का फाड़ दिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, आराम ना पहला आएगा कोई ना इस हरियाणवी की टक्कर में, जय श्री राम। अब है मेरा नेक्स्ट वर्कआउट
और प्रीचर के बाद में आप पीक पे वर्कआउट आज हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप अगर आपके पास आर्म ब्लास्टर है तो उस पर भी कर सकते हैं, वरना सिंपल इंक्लाइन करके बेंच को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरीके से सेम रिपीट करना है दूसरे हाथ से भी। इस वर्कआउट में कंजूसी ना बरतें आप। रेपिटेशन अगर आपने 10 सेलेक्ट किए तो पूरा हाथ खोलना है और फिर उसके बाद ऊपर लेना है। और ये जो नेगेटिव पोस्चर होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी मसल बन रही है या नहीं बन रही है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आप जिम में आ रहे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। सो ये है मेरा नेक्स्ट वर्कआउट, आप भी ले सकते हैं इस वर्कआउट को, या आप सीधे खड़े होकर हैमर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं केबल पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके, इट्स प्रोफेशनल वर्कआउट। यहाँ कान के पास लेके आने हैं आपको, एल्बो स्ट्रेट रखनी है। 1, 2, 3, 4, 5 इसको इस तरीके से करेंगे आप तो इफेक्टिव है, लेकिन दिस इज मच मोर इफेक्टिव देन दिस। और ये बड़ा ही ध्यानपूर्वक करने का वर्कआउट है। यहां से ना एक दर्द की आ आती है, वो डिपेंड करता है, जो दर्द आता है ना उसके बाद अगर आप क्रॉस करके वर्कआउट कर रहे हैं, उस बैरियर को लांग रहे हैं आप जब आप एक एथलीट और जब आप एक चैंपियन है, वरना अगर रह गए ना उससे पहले तो जिम में 100 बाड़ा का रहे हैं मेरे भाई, और बने सिर्फ 2 की है, तो वो 2 डिपेंड करता है आपके उस रेपिटेशन पे जो दर्द के बाद आप करते हैं। और बाइसेप्स का वर्कआउट अब एंड होता है, इसके बाद लेंगे हम फोरआर्म का वर्कआउट। जर्क आना संभावित है, लेकिन उस जर्क को कंट्रोल में करके, एल्बो स्ट्रेट फोकस्ड रख के, जो गोल अचीव करना है ना, डू वर्कआउट फॉर दैट। बाइसेप्स का ना मन नहीं भरा, मतलब मेरे अंदर से ना बाइसेप्स के वर्कआउट में फटीक लेवल तक मसल जा चुकी है, लेकिन मन नहीं भरा, और मन भरेगा भी कैसे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है अब वर्कआउट इंटेंसिटी चेक करनी है, मसल्स को कितना आप तोड़ सकते हो वो डिपेंड करता है अब आपकी डेडिकेशन पे। और भाई रेपिटेशन गिन लियो मेरे भाई, कितने हो गए ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 20 रेपिटेशन के करीब हो गए हैं, तो क्यों पड़े हो चक्कर में, फोरआर्म ले पछे कोई ना हो हमारी टक्कर में, जय बाबा। एंड हो नहीं सकता बिना फोरआर्म के, अगर आप बाइसेप्स करते हैं तो ज़रूर करें आप। और रिवर्स कर्ल बहुत अच्छा वर्कआउट है, स्लो डाउन फास्ट अप स्लो डाउन। यहाँ लाके स्क्वीज होल्ड स्लोली डाउन, और इस वर्कआउट के साथ आप स्टैंडिंग पे भी ले सकते हैं। ये फोरआर्म के कुछ ऐसे वर्कआउट हैं जो लिटरली बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, और यहीं से मतलब मैं इसी से कर रहा हूँ, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप मशीन पे करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 इसका कॉम्बिनेशन बना के 4 वर्कआउट कंप्लीट करेंगे, 7 से 10 भी ले सकते हैं आप अगर आपकी एनर्जी लेवल बचा है तो। सो वर्कआउट इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं लीन के लिए कर रहा हूँ, अगर आप गेन के लिए कर लें तो पर्टिकुलर आप समय दे सकते हैं एक एक वर्कआउट के, क्या इसका एक वर्कआउट ले लिया इसका, अब बोला नहीं जा रहा है। नाउ दिस इज टाइम टू साइन आउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने लिया था बाइसेप्स का एक्सप्लोसिव वर्कआउट फॉर लीन गेन एंड रिब्ड लुक। सो ट्रांसफॉर्म सीरीज मेरा चल रहा है 90 डेज का स्टेरॉइड के साथ, क्लैन स्टैना अनावारा भी चल रहा है प्री वर्कआउट के साथ, और इंजेक्टेड कोई नहीं ले रहे। और मैं आपको सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये जाहिर करना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हवा बना हुआ है कि स्टेरॉइड बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसा भी नहीं है। और बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ, ब्रांड को डिस्कस करूँगा आपके साथ, कोई ऐसा हल्का फुल्का ब्रांड नहीं ले रहे, बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ ले रहा हूँ, इंटरनेशनली ब्रांड्स हैं जिन्हें आप बाकायदा
सर्च करेंगे तो टॉप लिस्टेड आएंगे वो ब्रांड्स, लेकिन इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। आप सिंपल सप्लीमेंट से, घर की डाइट से भी अचीव कर सकते हैं आपके गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्यों पड़े हो चक्कर में, बिना स्टेरॉइड अच्छी डाइट से भी सब पीछे रह जाएंगे आपकी टक्कर में। जय श्री राम।